जय साईं जी दी, जय बाबा मुराद शाह वली जी, रब एक जय साईं जी। 786 एस ए ऑफिशियल चैनल दे नाल जुड़ी हुई हर नेक रूह नूं सलाम है, निघा स्वागत है। चैनल ते पहली बारी आए हो बाबा जी तो चैनल नूं सबसक्राइब करो ते बैल आइकन जरूर दबाओ ताकि तुहानूं आने वाली वीडियो की जो अपडेटा मिलती रहे। बाबिओ साईं लोगों की गल करन जा रहे हैं, जेडे असल फकीर होंदे ने ना, जिदा साढ़े साईं जी, ये वड्डे वड्डे राजे महाराजे इन्हां दे कदमां दे विच गिर जांदे आ। जिहड़े आप दे आप नूं कहिंदे इक होंदे हुंदे ना, वो जे कोई पूरन फकीर पूरन संत जिहड़ा वाकई सिद्ध पुट जाणदा होवे उहदे कदमां दे विच गिर जांदे आ। क्यों? क्योंकि सवालां दे जवाब मिलन लग पैंदे आ उहनां नूं। दुनिया दे विच 96% लोग इदां दे आ जिन्हां नूं उहनां दे सवालां दे जवाब नहीं मिलते बाबा जी। अध्यात्मक कह लो, फिजिकल कह लो, प्रैक्टिकल कह लो, मैंटली कह लो, कोई भी कह लो, तुसी सवाल अध्यात्मक स्पिरिचुअल वाली गल अलग हो जाती। क्यों? क्योंकि गुरु बिना कहिंदे गत नहीं तां शाह बिना पत नहीं। वो फकीर कहिंदे कि हर रूठे गुर मेल दे, भी जे हर रुठ गया रुस गया तुहाडे तों तां गुरु मेल दिंदा, ते जे गुर रुठे फिर ना ठोर, भी जे गुरु रुस गया तो फिर की करोगे। पहला रब यार नू मना, जे तू रब नू मनाउणा, यार अरबी दा अखर जिहनू यार नू गुरु आख्या गया उहदे च। हुण गल गौर नाल सुणन वाली, जदों कई जवाब मिलने बाबा जी इस कहानी तों, जदों मैं सुनी सी मैनू भी बहुत कुछ लग्या कि इहदे च बहुत वड्डियां गल्लां। महान सिकंदर राजा होया जिन्हें सारी दुनिया जितण दा सुपना लैके तुरिया, जिहड़ा वह जदों हिंदुस्तान दे विच आया, हिंदुस्तान तुहानूं पता एक गुरुआं पीरां संतां दी धरती है, फकीरां दी धरती है, पंजाब दा खास करके। ते वह जदों इत्थे आया हिंदुस्तान दे विच तां उहने देखिया एक फकीर खड़े आ। वह फकीर खड़े आ फकीरां दे हत्थां दे विच, फकरां दे हत्थां दे विच एक बड़ी चमकदी चीज़ आ। गल गौर ना सुनी बाबा जी, वह कहिंदे हाथ दे विच चीज़ बड़ी चमक रही है। हुण वह सिकंदर जिहड़ा वह फकीर नूं संत नूं मारदा नहीं सी, लड़दा नहीं सी संतां फकीरां नाल, क्योंकि इन्नी अख तां सीगी शायद। तां वह कहिंदा भी वह बाबे कोल रुक गया, कहिंदा बाबा जी ये क्या है, कि ये की आ, ये चमक रहा वा, ये मैनू दे दो, तो इहदा जो मुल तुसीं कहोगे मैं दे दूँ। तो वह फकर मास्टर जी, वह कहिंदे ये तां तेरे वास दी गल नहीं है, ये तेरे को खरीदी नहीं जानी, ना इहदा मोल तय होना। तो सिकंदर हुण राजा सी, महान राजा सी, सारी दुनिया लुट्टी लियाया, वह कहिंदे जो कुछ भी मेरे कोल आ मैं दे दूँ। कहिंदे तू वह मंगा तकड़ी, तकड़ी जिहड़ा वह मंगाई, वो एक पासे वह चीज़ रख दी, दूजे पासे उहने जो वो कोल लुट के लै गया सी सारा कुछ रखता, पर जिहड़ी वो चीज़ सीगी वह भारी रही, वह बिल्कुल भी हल्की ना हुई। वह कहिंदा मैं तो सारा कुछ लुट लुटा बैठा, यह फकीर कोई वाकई खुदा का बंदा रब का आशक है। वह कदमा च उन्हें सिर रख दिता उस फकीर दे, कहिंदा बाबा मैनू कोई समझ नहीं लग रही कि मैं इन्नियां जंगां जत्तियां आ सारा कुछ मैं इहदे नाल रख दिता, पर यह टस तो मस नहीं हो रहा, यह की आ ये? कहिंदे जे होर तेरे विच ताकत आ, कोई हंकार बाकी आ तो वह भी कढ ला। वह कहिंदा नहीं महाराज मैनू माफ़ कर दिओ। उहने कदमां च सीस नवा के कहा भी मैनू दसो ये की है। कहिंदे पहलां तैनू तां नहीं सी दस्या कि तू राजा बन के हंकार दे विच मैनू कहिंदा सी भी दस ये की आ, कि मैं इहनू खरीदना चाहुंदा। हुण तू कहिंदा तेरे अंदरला हंकार मर गया, हंकार जिग्यासा दे विच बदल गया, भी हुण तू जानना चाहुंदा आ कि फकरो ये की आ, मालको ये की आ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਤਾ ਤਰਾਜੂ 'ਚ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਲਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਭਾਰ ਆਇਆ ਹਰ ਵੇਲੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ? ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕੀ, ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਪਾਈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਪਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਗਾ
सिकंदर के पासे वाला जिहड़ा तराजू सी वह भारा हो गया तो वह हल्की हो गई। सिकंदर उठा, सिकंदर कहन लगा महाराज ये की लीला आ, भी ये की रंग मंच है। तो फकीर कहन लगे ये कुछ भी नहीं सी, ये बंदे की अख आ, जदों तक मैली नहीं सी मुल बहुत सी, यदा दुनिया सारी भी विक जाता तो भी यदा मुल नहीं सी तार होना, ये हुण मैली हुई थोड़ी जी धूल पै गई तो यह हुण हल्की हो गई। हुण इहनू यार ने नहीं खरीदना, इहदा यार ने नहीं मुल पाउणा, इहदा दुनियादारां ने मुल पाई जाणा। एवें गल याद रखना, दुनिया दे विच टके टके दे विकदियां ने चीज़ां, पर जदों उसे चीज़ नू यार दे हथ लग जाण, मुरशद दे फकीर दे हथ लग जाण, उहदी रहमत दा नज़र हो जावे, तां उह चीज़ जमाने की दौलत नहीं खरीद सकती। सारी जमाने की दौलत उहदे कदमां दे विच आके गिर जांदी, वह खरीद नहीं सकती। उन्हूं बाबा जी रौला आखदा है, कहिंदा जिहदी मैली है उन्हूं हर बंदा ही मैला दिखना, जिहदी अख की पुतली साफ है उन्हें मैले दे विच भी साफ नूं तक लैणा। जिहड़ी अख नाल पढ़ना सी उह जोगी दे नाल लड़ गई, मुल्ला दे मैनूं पंज पढ़ाइयां मैं इक्को ते अड़ गई, और जिहड़ी अख नाल पढ़ना सी उह साइयां दे नाल लड़ गई। ये जिहड़े शब्द लिखे ना गुरदास मान साहब भी लिखते ठीक है, मालक उन्होंने लंबिया उम्र देन हयाती बख्शन बापे बोलन, वो गुरमुख होके गुरु दे लड़ लग के ये चीज़ा लिखिया जांदियां। मनमुख बंदा ये चीज़ नहीं लिख सकता कदे भी कि मुला दे मैनू पंज पढ़ाइया मैं इक्को ते अड़ गई, जिहड़ी अख नाल पढ़ना सी वह जोगी दे नाल लड़ गई। ये तो किसी जोगी का किसी पाक पवित्र रूह का रहमत करदा, तो इहो जिहे शब्द बणदे बाबा जी। जदों दरबार जाने कहने ना साढ़े कई बार जी मन च गलत ख्याल आने लग पेंदे, उही गल करती भी जे तेरी अख ही मैली है तेनू मैला ही दिखना, जे अख साफ है तो सारा कुछ साफ ही दिखना। सो दादा जी सब नू चढ़दी कला च रखन, जे कोई गल सुणाउंदे मेरे तो गलती हो जाती मैं माफ़ी का हकदार रहा। जय साईं जी दी, जय बाबा महाराज छबड़ी।